मायका एक ऐसी जगह जिसकी अहमियत एक पति तो नहीं समझ सकता। मायका एक ऐसी जगह जहां हमसे कोई कुछ उम्मीद नहीं करता है। मायका एक ऐसी जगह जहां हंसना, खेलना, उठना, बैठना, इसके अलावा हम कोई काम नहीं करते हैं। एक बेटी शादी के वक्त इसीलिए नहीं रोती है कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर दूर जा रही होती है, बल्कि इसीलिए रोती है क्योंकि उसके पीछे से उसके माँ बाप अकेले हो जाते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बेटी की पैदाइश से नहीं डरते हैं, वो डरते हैं तो उसके नसीब से। आपको पता है, जेब में रखा पेन भी अगर कोई मांग लेता है ना, तो लोग हिचकिचाने लगते हैं। और उस बाप का जिगर तो देखो, जो अपने दिल का टुकड़ा तक सौंप देते हैं। बेटियां बहुत मजबूत होती हैं, तभी तो अपने माँ बाप से दूर रहकर भी अपना दिल मायके में ही छोड़ आती। दहेज क्या है ये उस एक बाप से पूछो ना, जो अपने दिल का टुकड़ा तक सौंप देते। मायका एक ऐसी जगह जिसकी कीमत हमें तब तक नहीं पता चलती जब तक हम वहां रहते हैं। माइक कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। कभी कभी होता ना, आप इमोशनल हो जाते हो, बात कोई नहीं होती है, बट ऐसे ही कुछ फीलिंग्स होती हैं जो आप शायद किसी को बता नहीं सकते हो, तो कोई लिखता है, कोई बोलता है। मैंने भी बोल दी। थैंक यू।